नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको RJ45 केबल कैसे बनाई जाती है उसके बारे में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये क्लंपर और ये केबल को काटना है। इस तरह से ये वाले से काटते हैं हल्के से, यहाँ पे हमारी केबल ये खुल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ये आप सपोर्टिंग वायर इसको काट देंगे। अब ये हमारा RJ45 के कनेक्शन किस तरह से होते हैं इसके लिए आपको हम ये दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे, इस तरह से हमें वायर को रखना है इस सीक्वेंस में। ये बी टाइप है, बी टाइप होता है राउटर वगैरह के लिए। एक क्रॉस केबल बनती है, वो पीयर टू पीयर होती है दो सिस्टम के लिए। अभी हम राउटर के लिए बना रहे हैं। अब इस को हम लाइन से लगा देंगे। तो आप लोग घर में अगर कभी लैन केबल ख़राब होती है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पे सेट कर लिए। अब हमारे पास कनेक्टर है, अब इसको हम यहाँ से ये काट लेंगे। उतनी केबल काटनी जितनी इसके अंदर यहाँ तक जा सके। अब इसको कनेक्टर को इस तरह से रखना है ऊपर की तरफ, जैसे इसमें पिक्चर में बताया गया है, इस तरह से रखेंगे ऊपर। ठीक है, तो कलर यहाँ से हमारे चलेंगे राइट टू लेफ्ट। और यहाँ पे हम ये लगा दिए हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारे वायर यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे वायर पहुँच गया हमारा, इधर भी वायर शो होने लगा है, आगे भी वायर दिखाई दे रहे हैं। जब हमारे ये 8 वायर सारे दिखाई देने लगे तो यहाँ से हमें 8 पिन का ये सिलेक्ट करना है। 6 पिन का है, 8 पिन का, 8 पिन वाला सिलेक्ट करना है। और यहाँ से इसको ताकत से दबा देंगे, आवाज़ आएगी, यानी कि आपकी क्लिंपिंग हो गई है। दोस्तों ये हमारी क्लिंपिंग हो गई है, ये पिन अंदर जाके इसमें वायर के अंदर चले जाते हैं, इनमें कांटे बने होते हैं, ये लग जाते हैं इसमें। हमारी क्लिंपिंग हो चुकी है इस तरह से। ठीक है, हमारा कनेक्टर काम करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप क्लिंपिंग कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। और यहाँ पे केबल लग चुकी है और देखिए यहाँ पे हमारा डाटा आपका ट्रांसफ़र होने लगा है और रिसीव होने लगा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।